आज 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का ऐलान हो सकता है। देश के शिक्षा मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। स्कूलों पर लटके तालों के बीच 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब ये चिंता सता रही है कि बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। ओमिक्रॉन ने दुनिया के दूसरे देशों की तरह हिंदुस्तान में भी अब पांव पसारने तेज कर दी है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से भारत में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, कोविड सुपर मॉडल कमेटी ने बताया है टाइम। भारत में जल्द आने वाली है तीसरी लहर। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अनुमान जाहिर किया है। फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं ओमिक्रॉन से जुड़ी ये बड़ी खबर। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अनुमान जाहिर किया है। अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी, इसके हल्के रहने के आसार है। नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख विद्यासागर ने कहा कि अभी भारत में डेली कोविड 19 केस करीब 7,500 हैं। एक बार ओमिक्रॉन मुख्य वेरिएंट के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो केस बढ़ने के आसार हैं। कोरोना का नया वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर के मुकाबले नरम होगी। विद्यासागर बोले, देश में अगले साल की शुरुआत में तीसरी वेव आ सकती है। दूसरी लहर के मुकाबले इसके हल्के रहने के अनुमान है। इसका कारण बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लग जाना है। निश्चित तौर पर तीसरी लहर आनी है। अभी रोजाना 7,500 केस आ रहे हैं। प्रमुख वेरिएंट के तौर पर डेल्टा के रिप्लेस होने पर मामले बढ़ेंगे। विद्यासागर ने कहा कि सीरो सर्वे के अनुसार आबादी का बहुत छोटा हिस्सा बचा है जो डेल्टा वेरिएंट के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे में तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। इसके अलावा पुराने अनुभवों को देखते हुए देश ने अपनी क्षमताओं में भी इजाफा कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि नई चुनौती से निपटा जा सकेगा। IIT के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि केस में बढ़ोतरी दो बातों पर निर्भर करेगी। इन दोनों का ही जवाब अभी मौजूद नहीं है। पहला, ओमिक्रॉन किस हद तक उस नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास करता है जो डेल्टा के संपर्क में आने से हासिल हुई है। दूसरा, ये वैक्सीनेशन से प्राप्त इम्यूनिटी को कितना बाईपास